आखिर चाहता क्या है आपका भाई? क्यों आए दिन के ड्रामे कर रहे हैं? कोई इज्जत शर्म गैरत है आप लोगों में या नहीं? जबान संभाल के बात करो। संभालना है तो अपने ज़हनी मरीज भाई को संभाले, जो एक शादीशुदा औरत को कॉल करके ये मशवरे दे रहे कि अपने शोहर से तलाक लो और मुझसे शादी करो। क्या जी, जिंदगी अजाब बना दी आपके भाई ने मेरी बहन की। दिन में 100-200 कॉल्स करता है और उर्वा भी अगर गलती से कॉल उठा भी ले तो उल्टी सीधी बकवास करता है वो। तो ये सब मुझे क्यों सुना रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं और मैं को ये मशवरे दे रही हूँ कि वो उर्वा को फोन करके ऐसी बातें कहें, उससे तलाक ले और उमेर से तीसरी शादी कर ले? पर भाभी आप हमारी बहन को चाहिए कि वो उमेर का नंबर ब्लॉक कर दे। ना सुने उसकी ऐसी बकवास। वो उनके नंबर ब्लॉक कर चुकी है लेकिन आपका ढीठ भाई उन्हें अलग अलग नंबरों से फोन करता है। तो वो क्यों सुनती है उसका फोन? चार बातें सुना के जलील करके बंद करते उसका फोन। आपके भाई को बातें सुन सुन कर भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंतहाई ढीठ और बेगैरत हो चुके हैं। अपने हद में रहो तुम। हद में तो आप लोग रहे, आए दिन का तमाशा बनाया हुआ है। अंबर ये क्या उल्टी हरकतों को उतर आया हूं मैं? इससे पहले भी शादी के मौके पर अपनी अहमकाना बातों की वजह से उसने उर्वा का नर्वस ब्रेक डाउन कर दिया था। तो मैं क्या करूँ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो मेरी नहीं सुनता। अगर मैं उसे रोक सकती तो रोक ना लेती अब तक। वो तो शुरू से ही उर्वा के मामले में अंधा है। जब उसके निकाह में थी तब भी तो हमारी जिंदगी अजाब बनी हुई थी। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हमें उमेर से दो टोक बात करना बहुत जरूरी है। उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर समझाना पड़ेगा, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो उर्वा जिसकी ऑलरेडी लाइफ डिस्टर्ब है मजीद खराब हो सकती है। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ इसके रवैये की वजह से खराब हो सकती है। फरवा अलग सफर कर रही। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि फरवा बीबी सफर करे। मुझे बातें सुना रही थी। उमेर के हाथों उसकी इतनी मिट्टी पुलीत करवाऊंगी और इस अलीना का भी दिमाग आज अच्छी तरह ठीक कर दूंगी। बड़ी जुबान चलती है ना इसकी।